One bit, sir. जरा पीछे ही आप लोग खाने से हम सब पूछ सकते और जैसे पार्किंग एरिया सब पहुँच सकते फरवरी संडे यानी संडे हैदराबाद सिटी में पर्टिकुलरली नामपल्ली एरिया में दो मेजर इवेंट्स का आगाज़ होने वाला है. आगाज़ यानी एग्जीबिशन तो ऑलरेडी चल रहा है और इसके साथ में जैसे कि संडे की शाम में ऑल इंडिया पर्सनला बोर्ड मीटिंग दारुसलाम में होने वाली है. तो इस मीटिंग को और एग्जीबिशन को नज़र में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस हैदराबाद के जानिब से जो लोग आ रहे हैं कर्नाटका महाराष्ट्र एंड अदर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद निज़ामाबाद आदिलाबाद नलगोंडा कर्नूल वरंगल जो भी लोग आ रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से और नेबरिंग स्टेट से उन लोगों के लिए जैसे कि पार्किंग एरिया जैसे कि नामपल्ली पब्लिक गार्डन में और गोशा महल में अरेंज किया गया और ये दो पार्किंग एरियाज को पहुंचने के लिए आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद सिटी यानी एंट्री पॉइंट्स इधर से शमशाबाद की तरफ से और इधर उपल की तरफ से और इधर तारनाका और पैराडाइज की तरफ से और इधर पीली दरगाह और MBNR चौरसे की तरफ से हर रास्ते से जो आ रहे हैं उन लोगों के लिए साइनेज लगा दिया जा रहा है. साइनेज डायरेक्शन हर पॉइंट पर लगाकर उन लोग को आसानी से पार्किंग एरियाज को पहुँचे सर हम लोग ट्रैफिक पुलिस हैदराबाद की जानेब से इंतजाम किए. तो गुजारिश है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो आने वाले लोग हैं सबसे गुजारिश है कि जैसे कि ये पार्किंग एरियाज को यूज़ करें क्योंकि जैसे कि अगर कहीं भी अगर आप दूसरी जगह मेन रोड पर अगर पार्क कर दिए व्हीकल तो लारी अपना क्रेन जैसे कि आपका गाड़ी सीज कर दे सीज हो जाएगी गाड़ी आपकी और उसको छुड़ाने में कम से कम एक दिन लगेगा. पर्टिकुलरली टू व्हीलर्स जो है इससे पहले जो प्रोग्राम्स दारुसलाम में होते थे तो जैसे पान मंडी और अतराफ हम लोग ही अलाउ करते थे लेकिन इस बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग को आने वाले भी तकरीबन 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख लोग को जैसे कि उन लोग को आने जाने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए नेबरिंग रोड्स भी जैसे कि हम लोग उनके इस्तेमाल के लिए छोड़ने का प्रपोज कर रहे हैं और पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि वो एरियाज पे पार्किंग ना करें.